लोग तो भाई गलती करवे किए थे, दो बार हम इधर उधर चले गए थे, शुरू से साथे थे। हम लोग तो भाई गलती करवे किए थे, दो बार हम इधर उधर चले गए थे, शुरू से साथे थे। लगता है कि नीतीश कुमार को कुछ बातें जो हैं वो रटवा दी गई हैं, इसलिए वो हर एक सभा में उन बातों को रिपीट करते हुए देखे जा रहे हैं। आपको हम बता दें, आज से पिछले जितने भी सभाएं लगभग आपने देखा होगा, उस सभी में तेजस्वी यादव के बारे में, लालू परिवार के बारे में वो बोलते हुए देखे गए हैं। और जिस प्रकार से दो बार वो राजद के साथ चले गए हैं, उसे वो अपनी गलती बताते हुए देखे जाते हैं। आपको हम बता दें, कल एक सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने भी फिर से इन्हीं चीज़ों को दोहराया है और कहा है कि दो बार गलती हो गई है और वो लोग जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते थे, जिसके कारण हमें छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा है, लेकिन अब यहाँ पर आ गए हैं, अब वहाँ पर नहीं जाएंगे, उन गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे। तो आइए सुनते हैं नीतीश कुमार को किस प्रकार से रटा रटाया भाषण जो है वो हर एक सभा में देने का काम कर रहे हैं। हम लोग तो भाई गलती करवे किए थे, दो बार हम इधर उधर चले गए थे, शुरू से साथ थे। आप बोलिए ना, आज से साथ थे, हम लोग अपना पार्टी बना था और सब दिन हम साथ थे, यहाँ भी चले और खूब अच्छा काम किए। तो दो बार डेढ़ डेढ़ महीना जो हम गड़बड़ हो गया, वो सब तो खूब गड़बड़ करता है, अनाप शनाप करता है। अब कभी इधर उधर हम नहीं जाएंगे, जो हमारे तो आपने सुना नीतीश कुमार को किस प्रकार से अपने पुराने अंदाज में लालू परिवार पर हमला करते हुए देखे जाते हैं। आपको हम बता दें कि जब बीच में खबर आई थी कि नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ जाने वाले हैं, उसके बाद जेपी नड्डा बिहार आते हैं और नड्डा के आने के बाद जो है नीतीश कुमार को जो बोल बदले और उन्होंने उन्हीं के मंच से यह कह दिया कि दो बार गलती हो चुकी है, अब तीसरी गलती जो हम नहीं करेंगे, अब उसी बात को वो हर एक सभा में दोहराते हुए देखे जा रहे हैं। आपने सुना इस सभा में भी उन्होंने यह बात को कह दिया है कि दो बार गलती हम कर चुके हैं और दोनों ही बार वो लोग कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर रहे थे, जिस कारण से हमें छोड़कर एनडीए में आना पड़ा, लेकिन अब यहाँ पर आ गए हैं, अब यहाँ से हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, जितने भी विकास के काम हैं हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से लगातार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि इन बातों को वो गांठ बांध चुके हैं, इसलिए वो हर एक सभा में इन बातों को दोहराते हुए देखे जाते हैं। यानी कि आपको हम बता दें, जब से जेपी नड्डा बिहार आए थे तब से लगभग सभी सभाओं में नीतीश कुमार ने इन बातों को दोहराया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले।